खुशी की बात है कि आज टैंडरी रोड में बहुत पुरानी खदीम स्कूल उर्दू गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल जो जनाब फारूक साहब और इनके अहदेदारान चला रहे थे उसका नई इमारत के चार पांच कमरों के साथ आज इफ्तिताह अमल में आया। इसके लिए मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं और हम सबकी एक कोशिश है कि ख़ास करके ये जो पसमानदा इलाका है टैंडरी रोड, यहाँ पे ऐसी बहुत सी पुरानी स्कूलें हैं, इसको अगर हम अपग्रेड करके यहाँ पे तालीम पे ज़्यादा अगर ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनरोल करें तो मेरे ख़्याल से हमारी कौम की जो सबसे बड़ी मुश्किल है आज तालीम के, तो ये हल हो सकती है और तालीम ही एक ज़रिया है जो हमारी कौम की हालत बदल सकता है। इस चंद अल्फाज के बाद मैं सबको फिर अडॉप्ट किया है। मैं हम लोगों ने अशफाकुल्ला खान सोसाइटी बोल के बनाए हुए हैं, इधर इसका चेयरमैन हूँ मैं। तो स्कूल में बहुत सारा काम दो साल से हमने अडॉप्ट किए थे, तो बीच में पैंडमिक आने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हमने सिर्फ थोड़ा खाने पाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कोविड के वक्त, तो इंशाल्लाह हम लोग पहले कुछ भी नहीं थे, बहुत पुरानी तामीर किए थे 556 की है। उसके बाद उनके बुजुर्गान ने दिन फिर नेक्स्ट आते आते फारूक साहब स्कूल लिए और इसको इम्प्रूव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ऐसी जगह है, बहुत पसमानदा इलाका है, इसमें बच्चों की फीस तो क्या खाने को भी नहीं मिलता, तो ऐसी जगह पर हम लोग सब ये करके इधर कोशिश कर रहे हैं। या स्कूल, हाई स्कूल, इंग्लिश मीडियम सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा। और फारूक साहब की मेहनत है, फिर हमारे गायर साहब की मेहनत इसमें है। मैं स्कूल से ज़्यादा कनेक्शन है, मेरा अडॉप्शन में है ज़्यादा, हम अडॉप्शन में करते हैं, मैं चेयरमैन भी हूँ, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितना हो सके बच्चों की क्वालिटी में भी कोशिश करेंगे। और स्कूलों का आज इतना महंगा है कि बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए हम लोग इसको इंग्लिश स्कूल में भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मैं आज यहाँ पर इनॉग्रेशन में आया हूँ, माशाल्लाह बिल्डिंग बहुत अच्छी बना, कहीं पुरानी बिल्डिंग जो थी वो पूरी डेमोलिश करके नया एक पूरा सेटअप बना कहीं क्लासेस का। और हमारे फारूक साहब जो है इन्होंने ये सारे स्कूल के वास्ते जो है मुझे भी रिक्वेस्ट दे कहीं
کہ ہائی اسکول کا پرمیشن دلا بول کر ہماری قوم کی وجہ سے جیسا آپ بتا رہے تھے ہمارے ساتھ یہاں قوم کو سدھارنے کا سب سے پہلا طریقہ ایجوکیشن 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 اور دوسرا کوئی نہیں ہے تو یہ جو انہوں اسکول یہاں قائم کر کو ہی اس کے واسطے ہمارا پورا سپورٹ ہے اور یہ اسکول میں اردو اور انگلش دونوں کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ میں ریکویسٹ کر کو کیونکہ کنڑا بھی ایک انکلوڈ سبجیکٹ انکلوڈ کرو بول کو میری ریکویسٹ رہے گی ان کو تو انشاءاللہ پہلے اردو اسکول بول کو دوسرا سبجیکٹ کے اوپر توجہ نہیں دیتے تھے اب انگلش بھی ضروری ہے اور کنڑا بھی ضروری ہے انشاءاللہ یہ سب چیزوں کی سہولت ہوتی ہے اور ہمارا سب پورا کوآپریشن ہوتا ہے ان کو یہ اسکول چلانے کا 1 to 7 ہائر اور انگلش ہو چکی ہے یہ اب 5, 6, 7 جو ہے انگلش میڈیم ہے انگلش کو اردو جو ہے فرسٹ لینگویج ہے سیکنڈ لینگویج انگلش ہے انگلش میں بھی اس میں ہوگا کیونکہ ہائی اسکول کو بچے جانے گیا بانیا سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے انگلش میں انگلش میڈیم میں پڑھنے اس وجہ سے وہ بھی کوشش کر گئے انگلش کا گرانٹ ہو گیا انگلش میڈیم ہے 1 to 7 تک ہے مجھے 8, 9, 10 کا ایک پرمیشن گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی کوشش کرو دلائے تو بہت اچھا